हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल। सोनल्स रेसिपी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट पुलाव बनाने जा रही हूँ। आप जब भी जल्दी में हो या फिर इंस्टेंट कुछ बनाना चाहते हो तो ये पुलाव इजी है बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, इसको मैंने काट कर लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। यहाँ पर मैंने दो छोटे प्याज काट कर लिए है, आप एक भी ले सकते हैं मीडियम साइज का। मसालों में लिया है तेज पत्ता, इस मसाले में मैंने लिया है शाहजीरा, लवंग ली है 3, 4 से 5 मैंने काली मिरी ली है, और ये दालचीनी के टुकड़े हैं, मैंने इसको छोटा छोटा कट किया हुआ है। हरी मिर्ची मैंने कट कर ली है। यहाँ पर लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये पुदीने के पत्ते हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर लिया है बासमती चावल, ये लिया है मैंने मटर, मेरे डीप फ्रीज से इसलिए मैंने उसको पहले ही रूम बाहर निकाल के रखा था, रूम टेम्परेचर पे लाया है इसको, तो ये अभी सॉफ्ट है, कड़क नहीं है। अगर आप फ्रिज में से निकाल कर डायरेक्टली डालते हो तो वो पकते नहीं है, कच्चे वैसे ही रहेंगे, इसलिए उनको रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिया है फ्लावर, इनको भी टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है आलू, इसको भी काट लिया है। ये लिया मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट, घी लिया है, यहाँ पर लिया है नमक और ऑयल लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चावल है मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ, हमें इसको वॉश कर लेना है। इस कटोरी से मैंने चावल लिया है तो मैं पानी भी इस कटोरी से डालूंगी। तो फ्रेंड्स, पहले इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड, चावल हमारे वॉश हो चुके हैं। अभी हम कुकर गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। कुकर में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, कुकर हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल के बाद डालेंगे घी, घी से इसको टेस्ट अच्छा आता है, स्मेल आता है अलग सा, तो अच्छा लगता है। तो ये लगभग 2 चम्मच घी है मैं सारा डाल रही हूँ इसमें। सारा डालना है। तेल और घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और जो मसाले हमने खड़े मसाले जो लिए हैं इनको डाल देंगे और हिला लेंगे। ये देखिए, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चे बारीक कटी हुई, इसको भी अच्छे से हिला देंगे। इसमें ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बचा लेंगे सर्विंग के लिए, और थोड़ा सा डालूंगी मैं पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप शाम के खाने में कुछ लाइट खाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए फ्रेंड्स। तो इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ जो जिसके हमने स्लाइसेस किए थे प्याज, प्याज को इसमें डाल देंगे और अच्छे से हिला देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। नमक थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो प्याज पकने में थोड़ी हेल्प होती है। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है मसालों का, बहुत ही खुशबू आ रही है बहुत अच्छे से। इसको अच्छे से हिला लेना है। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है, और ये होममेड है, होममेड ही यूज करना चाहिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। Thank you.
अदरक लहसुन के पेस्ट की गजब स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। इसमें डाल देंगे हम टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है, टमाटर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे फ्लावर, उसके बाद डालेंगे मटर के दाने और ये आलू। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए। अब डालते हैं चावल। चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, तो नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमने इसको बिल्कुल भी भिगोया नहीं है, सिर्फ धोकर रखा था। अभी हम इसमें डालते हैं पानी। हमें उसी कटोरी से नाप करके पानी डालना है। ये मेरी हो गई, चावलों की लेवल मेरी जितनी थी उतना पानी मैंने लिया है। ये हो गई एक कटोरी, और दूसरी कटोरी मैंने आधे से थोड़ी सी ज्यादा ली है। ये देखिए, मैंने दो कटोरी पानी नहीं यूज किया है, पौने दो कटोरी पानी यूज किया है, ताकि हमारा जो चावल है वो खिला खिला निकले। अभी हम डालेंगे इसमें नमक। इसी स्टेज पर आपको नमक टेस्ट कर लेना है, नहीं तो बाद में चावल टेस्ट नहीं देगा। देखिए फ्रेंड, मैंने नमक डाल दिया है और पानी भी इसका टेस्ट किया है, तो मुझे ये बराबर लग रहा है। थोड़ा सा नमकीन लगना चाहिए इसका जो पानी रहता है वो। और ऊपर से डाल देंगे बचे हुए पुदीने के पत्ते, इसका भी बहुत अच्छा स्मेल आता है इसमें। और कुकर का हम ढक्कन कवर कर देंगे और इसकी चार सीटियां लेंगे मीडियम फ्लेम पे। गैस मीडियम रखना है। तो फ्रेंड, मैंने तीन सीटियां मीडियम फ्लेम पे ली है और ये लास्ट वाली है मैंने सिम गैस पर ली है। तो अभी एक सीटी होने वाली है, इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। टोटल मैंने चार सीटियां ली है। ये देखिए, चौथी सीटी भी हो गई है। अभी मैं गैस ऑफ करती हूँ और अभी हम वेट करेंगे कुकर ठंडा होने का। ठंडा होने के बाद मैं आपको चावल सर्व करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है। ये देखिए, मैं इसका ढक्कन निकाल रही हूँ, थोड़ी सी स्टीम इसने पकड़ ली थी। ये देखिए, ये पूरी तरह से इसका दाना दाना भी पूरा पूरा अलग अलग हो चुका है, पानी भी बिल्कुल नहीं बचा है और सब्जियां भी हमारी बिल्कुल पककर रेडी है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अपना पुलाव एक प्लेट में निकाल लिया है। ये गर्म है इसलिए स्टिकी लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद इसका एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।